मैडम आराम से। वो सॉरी भैया, मुझे ना दिखाई नहीं देता। मैं आपसे पूछ रही थी मेट्रो स्टेशन का रास्ता आप मुझे बता देंगे? मेट्रो स्टेशन का रास्ता मैम आप थोड़ा सा गलत आ गए हो। इस साइड नहीं जाना है आपको, यहाँ से वापस जाना पड़ेगा करीब 20 कदम। 20 कदम वापस जाने के बाद जैसे ही लेफ्ट लोगे सीधे जाके मेट्रो स्टेशन। ठीक है भैया, थैंक यू। भाई, क्या बात है, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। आज ऐसा हाथ मारा है ना, आपको खुद मजा आ जाएगा। देखो ऐसा क्या हो गया? और शिकार ना खुद चल के आया मेरे पास कि भाई आओ मेरा शिकार कर लो। ये कैसे हुआ बता बता। अरे भाई कुछ नहीं, एक अंधी लड़की थी, जैसे ही मैं मुड़ा मुझसे टकरा गई और मुझसे एड्रेस पूछा। मैंने जैसे ही एड्रेस बताया और वो मुड़ी और मैंने फोन निकाल लिया। भाई आप मानोगे नहीं, फोन ऐसा है ना कि 3-4 महीने ऐसे मक्खन से गुजरेंगे ना। हमारे आईफोन है भाई, आईफोन। देखा देखा क्या बात है, क्या फोन है, ठीक रहा है हाँ, सेल बन रहा। इसको तो बेचेंगे ही बेचेंगे, साथ में इसका जो डाटा है ना वो भी बेचेंगे। क्या पता क्या हाथ लग जाए और कुछ पर्सनल डाटा भी तो हो सकता है। पैसा ही पैसा होगा, फोन का भी और डेटा का भी। क्या हुआ भाई, आपके क्यों रंग उड़ रहे हैं, रेट लगा लिया क्या? तुमने इसका फोन चुराया? हाँ। तुमने इस लड़की से फोन चुराया? कौन सा है, बहन है ये मेरी। हेलो, हाँ हाँ बहन, क्या तेरा फोन चोरी हो गया? देख देख तू बद्दुआएं मत दे। हाँ मैं कुछ करता हूँ, पुलिस को मत बुला तू। हाँ बहन, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक है, आ रहा हूँ मैं। रामजादे, क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? हाँ क्यों किया तुझे, एक भी बार शर्म आई मेरी बहन का फोन चुराते हुए? अरे यार वो अंधी है, देख नहीं सकती, तो उसकी मजबूरी का इतना बुरा फायदा उठाया तूने। यार कैसे मेहनत कर करके उसने एक एक वक्त के पैसे जोड़ के ये फोन लिया था, और आज तू कह रहा है 2-4 महीने यूं निकल जाएंगे? अपनी बहन की मेहनत पे आग लगा के मैं अपनी शराब और तेरे जुए के लिए पैसे लाऊं? मैंने सच में नहीं सोचा, क्योंकि ये चीज तो आपने ही सिखाई है। तो मैंने तुझे ये सिखाया था क्या कि मेरी बहन का फोन चोरी कर, उसका डाटा लीक कर और जाके ब्लैक मार्केट में बेच? नहीं भाई, आपने तो कभी कहा ही नहीं कि किसका फोन चुराना है किसका नहीं। आपने बस इतना सिखाया था कि जो भी मिले चोरी कर लो, चाहे वो अंधे का फोन हो, लंगड़े का फोन हो, या फिर किसी लड़की का फोन। भाई इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी भी है। मैं जब से मिला हूँ आपने मेरे को सिर्फ चोरी करना ही तो सिखाया है, और हम लोगों का घर भी इसी से चल रहा है, हम जो कमाते हैं इसी से कमाते हैं। आपने मुझे हमेशा यही सिखाया कि लव कभी सोचना मत, बस चोरी कर लेना। कभी तरस मत खाना किसी अंधे पे, बस चोरी कर लेना। किसी लंगड़े पे तरस मत खाना, चोरी कर लेना। हमेशा बस एक ही चीज सिखाई है कि लव चोरी कर लेना, क्योंकि हमारा घर इसी से चलता है। भाई आज जो ये हुआ इस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूँ, और एक चीज मुझे समझ आ गई कि मुझे आज के बाद चोरी करके घर नहीं चलाना। क्योंकि आपको देखने के बाद ना मेरे को एक चीज समझ आ गई कि जब ये हमारे साथ होता है ना तो कैसा लगता है, जो चीज आपने कभी नहीं सिखाई कि हमारे साथ जब ये होगा तो कैसा लगेगा। एंड आई एम रियली सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था वो आपकी बहन है। आप अपनी बहन का फोन उन्हें वापस कर देना, उनको बता देना कि फोन किसने चुराया था। आज के बाद मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा और चोरी नहीं करूंगा, और बाकी आपका डिसीजन है।